इस्लामाबाद में आकर अगर आपने सिरेना होटल नहीं देखा तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। सो हमने सोचा कि आज आपके लिए सिरेना पे एक वीडियो बनाते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सिरेना होटल में स्टे लाजमी करें, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप पिक्चर्स वीडियोस बनाएं और उसके बाद मजे मजे से चले जाएं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टे की, तो जो कि पर नाइट हमने यहाँ पे रूम लिया था वो 80,000 प्लस टैक्स में था। आप देख सकते हैं रूम इतना कुछ ज्यादा खूबसूरत नहीं था, लेकिन ज्यादा फारिग भी नहीं था, नॉर्मल ही था। मैं आप इसको अगर मैं रेट की बात करूं तो 10 में से 8 या 7 पॉइंट तो डेफिनेटली दूंगा, क्योंकि एक अच्छा होटल है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ व्यू की, तो वो भी नॉर्मल था रूम से, लेकिन जो इनका व्यू है सिरेना के स्विमिंग पूल का, आई थिंक वो सबसे बेस्ट है। सो हम चलते हैं अभी स्विमिंग पूल की तरफ और वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ के नज़ारे कुछ अलग ही अंदाज रखते हैं। सो ये है सिरेना का स्विमिंग पूल। यहाँ के व्यू खूबसूरत हैं, ऑसम है, लश हैं। पाकिस्तान में मैंने ऐसा होटल अभी तक कोई नहीं देखा जिसका इतना खूबसूरत व्यू हो स्विमिंग पूल का और इस तरह के नज़ारे हों। यहाँ पे बहुत सारे और भी नज़ारे हैं, उनको आपने अवॉइड करना है, जस्ट स्विमिंग के मजे लेने हैं। हाँ, अगर मैं स्विमिंग की बात करूँ, आप वैसे यहाँ पे स्विमिंग करने के लिए आना चाहते हो तो 11,000 प्लस टैक्स इनके चार्जेस हैं, आप फुल डे यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे रात को मैं अपनी एक्स के बारे में सोच रहा था कि उस साली ने मुझे धोखा क्यों दिया। फिर उसको मैंने पुर कराया और मैंने कहा कि यार बिजनेस पे फोकस किया जाए, सोशल मीडिया पे इसको कैसे फेमस करना है। तो तभी मेरे माइंड में मिनी व्लॉग का आइडिया, पूरी रात मैंने बिजनेस और एक्स के बारे में सोचा, तो मुझे यही लगा कि बिजनेस काम आता है, एक्स नहीं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट किया और चला गया।